So welcome to my channel. Good morning, and I am here in Kohima village. I am here in Kishima village, Kohima, the capital of Nagaland. And here, as you can see, it's a hilly place. चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, मतलब पहाड़ी पहाड़ है. और ठंड अभी बहुत है क्योंकि अभी सुबह है, तो अभी ठंड लग रहा है. एज यू कैन सी, आपने टोपी लगा हुआ है और ये सब है. तो सीन कुछ ऐसा है कि ये है नया ब्लॉग, नया एपिसोड. तो इसमें जो भी छूट गया था वो थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज शाम को 3 बजे हम लोग को निकलना है, मतलब यहाँ ट्रेन पकड़ना है दीमापुर जाके, और यहाँ से करीबन 3 घंटे का समय लगता है दीमापुर तक. एंड आई ऑल्सो गॉट 3 new friends. एक्चुअली मेरा पिछला एपिसोड में आप लोग देख चुके होंगे, तो नेक्स्ट अगर आऊँगा उनके साथ भी इंजॉय करूँगा, और करीबन 3-4 दिन का समय लेके आऊँगा, क्योंकि इस बार बहुत कम समय लेके आया था, तो इतना देख नहीं पाया, इतना घूम नहीं पाया, और एक दिन के अंदर इतना सारा कुछ करना पॉसिबल नहीं है. तो गाइस, आप लोग भी आइए नागालैंड. नागालैंड के पीपल बहुत ही फ्रेंडली है. दे आर नॉट हार्मफुल, दे नेवर एवर गेट हाइपर्ड. इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ है लेकिन यहाँ पर मैंने कभी भी नहीं देखा किसी को झगड़ते हुए. तो आइए कभी. नॉट ओनली हॉर्नबिल फेस्टिवल, यू कैन कम हियर नागालैंड. देर आर लॉट्स ऑफ प्लेस टू विजिट. यू कैन कॉन्टेक्ट विथ द लोकल वंस एंड दे विल गाइड यू. सो गाइस, अभी जा रहे हैं ऊपर. सनराइज आप लोग देख सकते हैं पीछे, बहुत देरी हो चुका है, तो सनराइज का जो भी टाइम लैप्स है वो लेने के लिए जा रहे हैं ऊपर. देखते हैं ले पाते हैं कि नहीं. ठीक है, तो चलिए जाते. तो गाइस, यार यहाँ पे एक ही चीज़ मुश्किल मिलेगा आप लोग को, कि यहाँ पे बहुत थकान महसूस होता है भाई. चारों तरफ हिल्स हिल्स से, मतलब सीढ़ियाँ है, चढ़ने से आपका मतलब हालत ख़राब हो जाए. ठीक है, तो अभी जाएंगे यहाँ पे, और ये हो गया, सूर्य उदय हो गया. तो गाइस, फाइनली अभी ले चुका हूँ टाइम लैप्स ऑफ सनराइज. कल रात को ही सो गया था, प्लानिंग करके कि सुबह जागना है जल्दी, और यहाँ का जो टाइम लैप्स है वो लेना है. हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग का हॉर्नबिल फेस्टिवल जो घूमने आए थे, हम लोग का सफर ही समाप्त हो रहा है. अभी हम निकल रहे हैं दीमापुर के लिए. यहाँ फेस्टिवल देख कर बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मनोरंजन मिला. यहाँ के लोगों का रहन सहन, आचार व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा. ये हॉर्न फेस्टिवल दिसंबर महीने के 1 तारीख से 10 तारीख तक प्रतिवर्ष होता है. इसे मौसम भी बहुत ही सुहावना होता है. यहाँ पर विदेश विदेश के बहुत से लोग आते हैं देखने के लिए. यहाँ के जो सांस्कृतिक कल्चर है, सभी को, सब गोष्ठियों का यहाँ पर लक्ष्य दिखाई देता है. हम लोग को बहुत ही इन्जॉय मिला, बहुत ही लोग को मिलकर अच्छा लगा. आशा करते हैं आप लोग भी आइए, देखिए, इन्जॉय करिए. सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और जाके खा पी लेंगे, उसके बाद जाएंगे दीमापुर की तरफ. Oh!
best of luck. Thank you. सो गाइस, अभी हम लोग करीबन एक घंटे का रास्ता पार कर चुके हैं और यहाँ पे एक होटल में खड़ा अभी रुके हुए गाड़ी। और सीन कुछ ऐसा कि मेरा अभी बहुत ही हालत ख़राब है, क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे तब आप था, तो आप में कोई इशू नहीं था, लेकिन अभी है डाउन, पूरा रास्ता डाउन है। तो डाउन आने में क्या होता है, मेरा वॉमिटिंग का इशू होता है। तो अभी करीबन और एक घंटे का रास्ता बाकी है, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हालत अभी बहुत टाइट है यार। नेक्स्ट टाइम आने के लिए बहुत दिक्कत होगा मेरे लिए। नजर आ पहाड़ के बीच में से रास्ता आ जाता है। ये देखिए रास्ता, पहाड़, ये देखिए पहाड़। लोग जूम करके दिखाता है, जूको भी ले ऐसा। ये देखिए पहाड़, उस तरफ भी पहाड़ है। सर जी, सर जी क्या ले रहे हैं आप इतना सारा? क्या सारा है इधर? रिकॉर्डिंग वाला है इधर, बोलिए कुछ। बाजार सामान खरीद रहे हैं, पसंद हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, कोई छोटा बड़ा हो रहा है, अब इसको चॉइस कर रहे हैं, जो पसंद आएगा उसी को लेंगे। अभी कितने में ले रहा है? कितने में? 200 बोल रहा है। 200 तो पूरा उठा के ले लीजिए, दाम करते हैं, देखते हैं, यदि दो दाम होगा तो ज़्यादा लेंगे। 200 ये सब जितना भी यहाँ पे जैकेट वगैरह है सब 200 में मिलता है। यह दिमापुर का हांगकॉन्ग मार्केट, आज एक्चुअली हांगकॉन्ग मार्केट बंद है, तो ये तो हांगकॉन्ग मार्केट नहीं है ना, ये हांगकॉन्ग मार्केट नहीं है ना, संडे को ही तो ये बैठता है ना। हाँ, संडे का सेल बता दे। हाँ, तो ये तो दूसरा मार्केट है ना। वाह, इतना सारा ले लिया? 200 सो गाइस, अभी शॉपिंग हो गया। अभी देखिए यहाँ पे पूरा पोल्टिन है। घर के लिए शॉपिंग किया, मेरे लिए किया, मेरे बच्चे के लिए किया। सो यहाँ पर शॉपिंग हो चुका है और अभी जाएंगे स्टेशन के सामने कुछ खाने के लिए। उसके बाद ट्रेन आने को और 2 घंटा बाकी है, तो रेस्ट कर लेंगे और निकलेंगे अपने घर के तरफ। हेलो गाइस, हम लोग अभी कोहिमा के हॉर्नबिल फेस्टिवल से लौट आए हैं। अभी दिमापुर स्टेशन के पास हैं। अभी हम लोग का ट्रेन 3 बजे है राजेंद्र नगर, जो डिब्रूगढ़ को जाएगी। अभी हम लोग खाना खा लिए हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, शरीर बहुत ही टायर्ड हो चुका है, थक गया है शरीर। अभी 2 घंटे अभी टाइम, 1 घंटे का टाइम बाकी है ट्रेन आने के लिए। अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले सफ़र शुरू करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऐसे साइड में जो यहाँ पे जो ऑफिस है इसके सामने हम लोग से बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए सामान वगैरह है। सो हेलो गाइस, वी आर इन दिमापुर स्टेशन एंड द ट्रेन विल अराइव इन 3:30 PM। सो इट्स 14:46 नाउ एंड दिस इज दिमापुर स्टेशन लाइक दिस एंड आई एम हियर। सो गाइस, अभी ट्रेन आने में और 10-15 मिनट बाकी है, तो तब तक आप लोगों को मैं दिमापुर जो रेलवे स्टेशन है उसका थोड़ा ट्रेवल करके दिखाता हूँ, ठीक है? भैया क्या बोल रहे थे आप? नहीं, हम लोग भी ब्लॉग में आएगा ना। हाँ, तो बोलिए ना क्या बोलना है। क्या बोले, आपका यूट्यूब का नाम बोलो। हाँ, मेरा नाम है नोमेड प्रांजल। नोमेड कर देता है अच्छा होगा मेरे लिए।
मेरा मामा लोग को भी लो। आपका नाम क्या है? प्रकाश है। मेरा मामा को भी लो। प्रकाश क्या? दास। और मामा कहाँ भाग गए? मेरा मामा को भी। मामा जी आइए इधर। आप लोग कहाँ जाएंगे? दिल्ली। नहीं नहीं, मामी लोग को छोड़ना है। दिल्ली? वो लोग दिल्ली का है क्या? हाँ। गाजियाबाद का है। वो लोग क्या घूमने के लिए आए थे? हाँ, घूमने के लिए। कहाँ पे? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल हाँ। गए आप लोग? हाँ गए थे। कैसा लगा? अच्छा ही है। बढ़िया लगा ना? कितने दिन रहे उधर? दो दिन। दो दिन। रात को कहाँ सोए? क्या था नाम? एनो नोमेडिक। नोमेड। एनो एमएडी। नोमेड स्पेस प्रांजल। तो हाँ हाँ हो गया। ठीक है, अच्छा लगा मिलके। बाय बाय। सो गाइस, यहाँ पे एक सब्सक्राइबर मिल गया था, तो पूछा था कि इस चैनल का नाम क्या है, हम लोग भी देखेंगे वीडियो। तो उसके साथ थोड़ा बातचीत भी किया और उसको मेरा चैनल का लिंक भी दे दिया। तो ऐसे ही मिलने से अच्छा होता है, मेरा भी चैनल ग्रो कर जाएगा जल्दी। ठीक है, तो आप लोग को दिखा दिया जयपुर रेलवे स्टेशन, और अभी 10 मिनट के बाद आएगा ट्रेन। ट्रेन 10 मिनट लेट है अभी, 3:45 में पहुँचेगा गाड़ी। गाड़ी अभी कम से कम हाफ एन आवर लेट है, गाड़ी चल रहा है अभी जो राजेंद्र नगर डिब्रूगढ़, राजेंद्र नगर से डिब्रूगढ़ जाती है गाड़ी। सो गाइस, अभी हम लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं, तो अभी यहाँ पे कॉफ़ी पिया जा रहा है। गाड़ी खुल गई है राजेंद्र नगर डिब्रूगढ़ के लिए, अभी हम लोग चाय कॉफ़ी का लुत्फ उठा रहे हैं। आशा करते हैं कि सफ़र बहुत ही अच्छा रहेगा, इंजॉय तो भरपूर किए हैं, फिर इच्छा है आने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ हम लोग का सफ़र आज समाप्त हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक। अभी सर का जर्नी ख़त्म होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि सर का जो रूम है वो है नामरूप में। तो सर अभी जो नागालैंड अपना ओकेशन में पहुँच गया, लोकेशन में ओकेशन में नामरूप पहुँच गया हूँ। बाय बाय, अभी हम लोग का जर्नी समाप्त हो गया है, फिर मिलेंगे। थैंक यू। बाय। सो नागालैंड का जो जर्नी है सर के साथ ही हम बिताए थे, तो अभी सर उतरने वाले हैं।